अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं ना फ्लिपकार्ट से स्लीपिंग पिलो इसका रिव्यू प्लस अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहे बिना स्किप किए वीडियो को आगे तक वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, वीडियो अच्छी लगती है तो ऑल बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आगे शेयर भी करें मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में। तो चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हमने कर लिए है। तो ये माइक्रोफाइबर पिलो है जैसे कि देख सकते हैं आप, और सारे ही इंस्ट्रक्शन इसमें ज़रूरी निर्देश जो है दिए गए हैं किस तरह से पिलो को ये करना है। तो ये देखिए मैं वन बाय वन आपको दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम फ्लैट है, अभी मतलब हमने पैकेजिंग ओपन की है ना, तो ये बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा लगेगा आपको कि ये पिलो है नहीं बिल्कुल भी। और इसमें ना सारे कलर्स अवेलेबल है और साइज़ भी अवेलेबल है, मतलब साइज़ सेम आएगा। तो ये देखिए अभी ये जो पॉलीथीन बैग में है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई शीट होती है ना, बस उस टाइप का लग रहा है। तो जैसे ही इसे हमने बाहर निकाले तो ये देखिए आफ्टर 15 मिनट ये पिलो काफ़ी मतलब बढ़िया हो जाएगी जो है ना, एयर इसमें अच्छी से ये हो जाएंगी। तो ये देखिए, तो ये ना काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ काफ़ी अच्छी पिलो है और माइक्रोफाइबर इसमें पूरा अंदर दिया गया है। तो ये डबल हो गई मतलब साइज़ में, 15 मिनट ऐसे ही रखना था इसे खुले में, और सारे ही जो इंस्ट्रक्शन है ना निर्देश दिए गए हैं इसके पॉलीथीन बैग के ऊपर में ये दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए सेकंड पिलो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी आपको एक ये शीट काइंड ऑफ लग रहा है, बट ये जैसे ही ओपन हो जाएगा पॉलीथीन बैग से वैसे ही ये ना एयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये डबल हो जाएगा मतलब इसकी हाइट और लेंथ जो है सब कुछ डबल हो जाएगा। ये देखिए बाहर निकालते से, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस तरह से ये वाली पिलो। और 429 इसकी प्राइस है, और इसकी जो प्रोडक्ट बाय लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे भी बड़े मतलब आराम से इसे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की ये पिलो है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इसे बाय करें, मेरी तरफ से यस है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत सी पिलो में जो है ना कॉटन फाइबर आता है वो बहुत बेकार होती है और वो थोड़े दिनों के बाद फट भी जाती है। तो ये रहे देखिए, इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए सारे ही इसमें ये दिए गए हैं, तकिए को इस्तेमाल करने से पहले उसके ऊपर कवर भी चढ़ा देना है हमें, ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए वन बाय वन, और स्टिचिंग डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा है, कलर्स अवेलेबल है, साइज सेम मिलेगा। तो ये देखिए तकिए में हवा आने के बाद ये मैंने पलटा दिया है इसे, तो वो इसमें सब कुछ दिया गया है। आप अच्छी तरह से पढ़ के इसे फॉलो करें, मतलब ये ना सोचे, मैं स्टार्टिंग में सोची ये क्या है, पिलो है या कुछ और आ गया, ये क्या सीट है, पर जैसे ही मैंने इसे पॉलीथीन बैग से निकाला ये एयर में डबल हो गई। फिर मिलते नेक्स्ट।